हेलो नमस्कार, आज मैं आपके लिए बहुत प्यारा सा एक सलाद का रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत जल्दी से बनती है और बहुत हेल्दी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने सारे आइटम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से देख लीजिए अगर डाउट होता है तो। यहाँ पर मैंने लेटोस लिया था, कुकुम्बर, टमाटो और लेमन, ऑनियन और दो चेरी टमाटोस। उसके साथ मैंने यहाँ पर पार्सली लीव्स लिए थे, टू हार्ड बॉयल्ड एग लिए थे और इसको मैंने 15-20 मिनट बॉईल करके छिलका निकाल के लिया है और एवोकाडो लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रेसिपी। तो पहले तो आपको सारे वेजिटेबल को अच्छे से धोइएगा, अपने हाथ को भी अच्छे से धोइएगा और फिर हम लोग कट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर है ना, मैंने बहुत ज़्यादा लीफी वेजिटेबल लिया है जो कि अच्छा होता है सेहत के लिए। और तो चलिए शुरू करते हैं हमारा कट करना। एक बड़ा सा बाउल लेके आते हैं और हम लोग लेटस को पहले कट करते हैं। लेटस वैसे कट करने की ज़रूरत है नहीं, आप हाथ से तोड़ के डाल सकते हो, बट मैं प्रीफर करती हूँ थोड़ा कट करने के लिए क्योंकि पीसेस थोड़े छोटे छोटे रहेंगे और इक्वली रहेंगे तो खाने के टाइम पे इजी होगा और अच्छा लगेगा देखने के लिए भी। तो इसीलिए मैं लेटोस ऐसे कभी कभी काट लेती हूँ और कभी कभी ऐसे जल्दी जल्दी मैं हूँ तो ऐसे हाथ में ही तोड़ तोड़ के डालती हूँ, तो वैसे करती हूँ। तो आपको जैसा पसंद है वैसा कीजिएगा। लेटोस बहुत अच्छा एक वेजी है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट बहुत कम है और उसमें मतलब कैलोरीज बहुत ही कम है। तो अगर आप एक बाउल भर का लेटोस खा लेंगे तो आपको अगर भूख लग रही है वगैरह तो आपका पेट फुल हो जाएगा, साथ में साथ आपको वेट गेन का कुछ वेस आपने ने छोड़ा नहीं उसको। तो इसमें आपको मतलब ऐसे फैट वगैरह कुछ है नहीं तो बहुत अच्छा होता है। तो ट्राई कीजिएगा अगर आप वेट लॉस वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो जो सैलड में लेटोस और कुकुम्बर इन दोनों को यूज़ कीजिएगा। इसमें पानी भी बहुत रहता है मात्रा इसमें। यहाँ पर मैंने ओनियन आधा लिया है। नॉर्मली ओनियन मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को पसंद है तो उनके लिए जब बनाती हूँ तो मैं उनके लिए ज़्यादा ओनियन डालती हूँ, बट अगर मेरे लिए मैं बना रही हूँ तो ऐसे आधा 1/4 ऑफ ओनियन हो जाता है मेरे लिए। बस मुझे फ्लेवर चाहिए और कुछ नहीं ओनियन का ऐसा। और यहाँ पर मैंने टू चेरी टमाटोस लिए हैं। चेरी टमाटोस को आप ऐसे अखा डाल सकते हो और ऐसे दो पीस में कट करके डाल सकते हो तो उसका लुक बहुत अच्छा लग आता है। उसको छोटे छोटे मत कीजिएगा चेरी टमाटोस को। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा कुकुम्बर था, ये बहुत बड़ा कुकुम्बर है और पूरा काटूंगी तो मैं पूरी बहुत ज़्यादा फुल हो जाऊँगी, तो इसीलिए मैंने आधा कुकुम्बर लिया है। और यहाँ पर देखिए मैं कुकुम्बर को छिलके के साथ ले रही हूँ। कुकुम्बर के छिलके में बहुत अच्छा फाइबर होता है जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको फीलिंग करता है। और तो कुकुम्बर आप ज़रूर लीजिएगा और उसके छिलके के साथ लीजिएगा, मगर उसको अच्छे से धोइएगा पहले, यूज़ करने से पहले थोड़ा सा वार्म वाटर में अच्छे से धोइएगा तो जो भी केमिकल्स वगैरह यूज़ होता है आउटसाइड का वो निकल जाएगा और आप हेल्दी में रहेंगे। कुकुम्बर में वैसे पानी बहुत होता है, 90% का पानी रहता है उसमें। तो कुकुम्बर अगर आप रेगुलरली खाते हो भी तो आपका वेट लॉस वगैरह के लिए बहुत ईजी होता है वो चीज़ें। और यहाँ पर मैंने टमाटोज़ लिया है, वैसे ही मेरा ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने तो जस्ट एक स्लाइस का टमाटो लिया है बस कलर के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। मैं वैसे टमाटो की बड़ी फ़ैन हूँ नहीं तो, बट सैलड में कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ तो थोड़ा सा मुझे प्रॉपर एनर्जी मिलेगा करके। और मैं यहाँ पर एक एवोकाडो ले रही हूँ, मैंने आधा एवोकाडो लिया क्योंकि मेरा थोड़ा सा मीडियम साइज़ का एवोकाडो है, बड़ा नहीं है। और ये राइपन है, जब भी आप एवोकाडो लेंगे तो वो राइपन ही लेना। राइपन कैसा पता चलेगा, वो बहुत सॉफ्ट होगा ऐसे दबाएंगे तो, और ऐसे कट करेंगे तो बहुत आराम से निकलेगा। और उसका छिलका निकालने के लिए आपको ऐसे कुछ कट करना ऐसा नहीं है, ऐसे पील कर दीजिए वो आराम से निकलेगा। ये देखिए कैसे निकाल रही हूँ, ऐसे करेंगे ना एक ही बार में आराम से निकल जाएगा अगर वो पक्का है, अगर पक्का है नहीं तो वो निकलेगा नहीं। एवोकाडो को कभी भी कट करके ज़्यादा समय रखिएगा मत क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है। तो अगर उसको कट कर रहे हैं तो तुरंत आप सैलड में यूज़ करके उसको ख़त्म कर दीजिएगा। अगर आपको सैलड लंच के लिए बनाना है, आप सुबह ही कर रहे हो तो एवोकाडो को कट मत कीजिएगा, लास्ट मोमेंट में कट कीजिएगा। तो अभी हमारा हो गया, अभी हम लोग यहाँ पर डालेंगे हमारा जो हार्ड बॉइल्ड एग था उसको डालेंगे। तो ये बॉईल, ये एग को मैंने लगभग 15-20 मिनट बॉईल किया था मीडियम टेम्परेचर पे और
क्योंकि मुझे बॉयल पूरा चाहिए था, थोड़ा भी अंदर वाला योक सॉफ्ट नहीं चाहिए था, इसीलिए मैंने लिया। यहाँ पर मैंने 2 फुल एग लिए हैं। अगर आपको चाहिए तो आप 1 फुल एग ले सकते हो, 1 एग का खाली वाइट पार्ट ले सकते हैं, क्योंकि वाइट पार्ट में बहुत प्रोटीन होता है। और अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पर पनीर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, पनीर, टोफू और फेटा चीज़, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन के लिए। बट मैं, और एग जो है ना, एक बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन में और इजीली अवेलेबल सबके घर में होता है, इसीलिए तो एग का जो है आप रेगुलर खाया कीजिए। ऐसा नहीं खाली वाइट ही खाइए, मगर 4 वाइट खा रहे हैं तो एक तो होल एग खाइए योग के साथ, क्योंकि योग में भी बहुत अच्छा मिनरल्स और विटामिन होते हैं अपने बॉडी के लिए जो चाहिए होता है, और आपको फुल भी रखता है बहुत टाइम तक, तो आप इधर उधर का कुछ खाओगे नहीं, ठीक है। तो होल एग खाइएगा, खाली वाइट में मत जाइएगा, वाइट के साथ होल भी खाइएगा। तो ये हमारा अभी तक का सिलसिला शुरू है। अभी हम लोग इसमें आधा लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, आधा लेमन मतलब यहाँ पर के लेमन बहुत बड़े होते हैं, तो अगर आप का लेमन छोटा है और पानी नहीं है तो मेज़रमेंट कर दीजिए 2 टेबलस्पून जितना आपका लेमन जूस चाहिए, क्योंकि हम लोग इसमें और कोई सैलड ड्रेसिंग वगैरह नहीं डाल रहे, तो इसलिए लेमन थोड़ा ज़्यादा डाल रही हूँ। अगर दूसरे भी बहुत सारे सैलड ड्रेसिंग्स होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मायो यूज़ कर सकते हैं, 1000 आइलैंड यूज़ कर सकते हैं, और इटालियन सैलड ड्रेसिंग होता है वो सब यूज़ कर सकते हैं, तो आपको लेमन इतना ज़रूरत पड़ेगा। और यहाँ पर मैं पार्सली यूज़ कर रही हूँ, पार्सली के जगह पे आप कोरिएंडर भी यूज़ कर सकते हैं। पार्सली को नॉर्मली मैं कट कर नहीं करती हूँ, मैं ऐसे हाथ में ही तोड़ तोड़ के उसको डालती हूँ, तो उसका स्ट्रक्चर रहता है, दिखने के लिए अच्छा लगता है और खाने के लिए मज़ा आता है। आप यहाँ पर बेबी स्पिनाच यूज़ कर सकते हैं, जो पालक होता है ना, छोटे छोटे पत्ते, उसको कट करके अच्छे से धोकर कट करके डाल सकते हैं यहाँ पर। और मिंट का भी 1-2 पत्ते डाल सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2, क्योंकि मिंट का स्मेल बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, तो इसके लिए 1-2 पत्ते ही मोर देन इनफ होता है। मैं यहाँ पर अभी सैलड खा रही हूँ तो इसीलिए मैंने सॉल्ट भी डाला और सबको अच्छे से मिक्स किया, मगर आपको अगर सैलड तुरंत खा रहे हो तभी सॉल्ट डालिएगा, नहीं तो क्या होता है सैलड से पानी निकलना शुरू हो जाता है जब आप सॉल्ट डालते हो, ठीक है। तो अगर तुरंत नहीं खा रहे हो, अगर 2 घंटे के बाद खाना है, 1 घंटे के बाद खाना है, आधा घंटे के बाद खाना है, तो सॉल्ट मत डालिएगा, बस सारे वेजिटेबल को कट करके उसको आराम से ढक कर फ्रिज में डाल दीजिएगा, खाने से पहले बाहर निकालिए और सॉल्ट डालिए और सर्व कीजिए, ऐसा कीजिएगा। ये हो गया हमारा, यहाँ पर मेरा लास्ट इन्ग्रीडियंट्स था जो मेल में बहुत मुझे अच्छा लगता है, ओलिव्स। तो यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून ओलिव्स यूज़ किए हैं, यहाँ पर मैंने कट ओलिव्स यूज़ किए हैं। अगर आपके पास होल ओलिव्स है उसको कट करके डालिएगा, अगर अक्खा पसंद है तो अक्खा भी डालिएगा। ये देखिए कितना शानदार सा ब्यूटीफुल सा सलाद रेडी हो गया, सिंपल सा सलाद है, इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। और लास्ट में मैंने ऑलिव ऑयल थोड़ा सा डाला था, मैंने बोला था आपको लास्ट सलाद में भी कि ऑलिव ऑयल से भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि कैसा लगा है, आप ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और ऐसा होता है ना, सैलड का नाम सुन के कभी कोई लगता है सैलड खाएंगे, ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा टेस्टी लगता है। तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और बताइएगा मुझे कैसा लगा ये रेसिपी, और अच्छा लगा तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं डाल रही हूँ आप सारे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।